गाइस दिक्कत हो गई यार, मुझे पूरी उम्मीद है दीदी को गिफ्ट बहुत पसंद आएगा। तुझे ना आएगी मुफलिस की मुश्किलात समझ। ओए लखनीत, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू लखनीत व्लॉग्स। अटेंडेंस लगा दो जल्दी जल्दी। बहुत सारे जो नए व्यूअर्स हैं वो पूछते हैं अटेंडेंस क्या होता है। अटेंडेंस मतलब होता है लाइक कर दो, कमेंट करके लिख दो आई एम प्रेजेंट। सुबह सुबह साफ सफाई चल रही है भाई घर में, और ये इसमें हाथ किसका है आप समझ ही सकते हो, हमारे टैडू का। अरे गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा बच्चा उठ गया। ये कैसे उठ गया आज इतने टाइम से यार? 8 बजे उठना है, पूजा करनी है, तो मैं पूजा नहीं कर पा रही हूँ, तो ये सुबह सुबह डेली मेरा प्यारा बच्चा पूजा करता है। चलो तो 8 से ज्यादा बज रहे हैं, उठा तो अब है, कब तो नहाएगा कब पूजा करेगा। थोड़ा उसको फोन चलाने में सब चीज। अच्छा अच्छा, दिन दुनिया में क्या हो रहा है। अरे यार जल्दी नहा ले भाई, तेरा केक कटवाए जल्दी से। हाँ 5 मिनट का टाइम तेरे पास, 5 मिनट बाद तेरे को ऐसे उठा के यहीं से सीधा बाथरूम मिलेगी तू, ठीक है। क्या बना रही है? राजमा दीदी के लिए। आज नीतू ही बनाएगी क्योंकि उसका बर्थडे सेलिब्रेशन है। ये मेरा सुबह का रूटीन। हाँ अभी मेरे को लेके जाएगा। नहीं मैं नहीं जा रहा। नो नो नो। चलो गाड़ी 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 चलो 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 चलो। तो गाइस मैं नहा लिया हूँ और हम लोग कल क्योंकि ट्रिप पे चले जाएंगे, जाने से पहले मैं अपनी एक और टैक वीडियो बना के जा रहा हूँ। 1 हफ्ता हो गया है, और ये वाला जो टैक वीडियो ना, मैं ऐसे एक गेम चेंजर कैमरे के बारे में बनाने जा रहा हूँ। इतना सा कैमरा है, और आप एक बार देखना अगर आपको ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है, कुछ एक्शन रिकॉर्ड करना है, उसके लिए आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। तो आप मेरा वीडियो जरूर देखना टैक वीडियो पे। अभी मैं बनाने जा रहा हूँ उसी को। नीतू पैकिंग स्टार्ट। मेरी तो हो भी गई। 14 ड्रेसेस हो गई, 14 भाई। हम 6 दिन के लिए जा रहे हैं और 14 ड्रेसेस। 20 तो रखनी पड़ेगी। क्या बातें करती तू यार। यही बात है नीतू, एक्स्ट्रा लगेज ना हमारा तेरी वजह से ही आता है। बात तो सही है। पता है एक बात सोच, अगर तू फ्लाइट में 1 केजी का मेरे ख्याल से कितना लेते हैं इंटरनेशनल में, 2,000 ढाई हजार है ना, 2-2,500 में तुम वहाँ कपड़े खरीद लेगी। मैं क्यों खरीदूंगी वहाँ पर कपड़े। हाँ भाई मैं भी अपनी पैकिंग स्टार्ट कर ही देता हूँ। वैसे इस बैग में ना मेरे जो एप्पल वॉच है उसका नया स्ट्रैप मैंने लिया था यूएस से। बैग तो मेरे को मिला 2 महीने बाद, स्ट्रैप मिल ही नहीं रहा। अच्छा नीतू पैकिंग करा दे मेरी यार। तुम्हारी पैकिंग यार, अपनी पैकिंग तो इंसान को खुद ही करनी चाहिए पता है। अच्छा हाँ। तो तू नहीं कराएगी इसका मतलब? करा देती हूँ चलो। हाँ जा, इतनी अच्छी तू मेरी बीवी है। तो गाइस वेलकम वैष्णवी को हमारी तरफ से। आज वैष्णवी वापस जा रही है अपने प्रदेश क्योंकि रोहित हमारे साथ जा रहा है। तो गाइस पैकिंग करने के लिए बहुत टाइम बाद बेड खोला है, और इसमें देखो खोलते ही मेरे को वो दिखे जो मैंने सर्दियों के लिए लाया था, बिल्कुल पैक करके यहाँ रखे हुए हैं ताकि कुछ हो ना जाए इनको, और मैं पहन ही नहीं पाया। तो भाई मैं अपने कपड़े निकाल निकाल के रखे जा रहा हूँ। ये सब कपड़े बेड के अंदर जाएंगे क्योंकि अब गर्मियाँ ऑलमोस्ट आ चुकी हैं। ये सब मैं अपने पास रख लेता हूँ क्योंकि मैं इनको पहनूंगा। मैंने 3 जगह डिस्ट्रीब्यूट करे हैं कपड़े। ये वो है जो मैं ट्रिप पर लेकर जा रहा हूँ। भाई इतना बड़ा सिर दर्द मेरा खत्म हुआ है सब करने के बाद। भूख लग गई मेरे को। तो तूने खा लिया अपने कुछ? नहीं खा ले, साइड पे खा लो कुछ। आओ तो आज हमारे सबके मजे आ गए बिकॉज आज नीतू ने राजमा चावल बनाया, और इससे मिले आप नहीं टॉय, हमारी पूनम बहन का नया बच्चा। टॉय टॉय टॉय। ओए इसमें कैमरे में बड़ा लग रहा है यार ये। वैसे इतना सा है ये देखो, मतलब आप देखो हाथ से भी छोटा है। रोहित इधर इधर इधर, हाथ देखा। हाँ अरे सिगरेट नहीं भाई, इधर आ गया भाई साहब। आपकी लकीरों में विदेश यात्रा का योग है। हाँ और आज का ही है। अरे यार मैं जोशी तो नहीं बन गया हूँ। तुषार की मैं भी चेक करता हूँ, इनकी मैं तो भाई साहब की मैं बाद में चेक करके बताऊंगा। तुषार हाथ दिखा जरा अपना, हाथ दिखा। ये सूंघी एक बार, हाथ सूंघी उसका। अभी नीचे गया था वो, देखिए वो राइट हैंड देख इसका। पुलिस ने तो हाथ चेंज कर दिया। अब ये झूठ बोलेगा देख, अब ये झूठ बोलेगा। अरे मैंने हाथ पता क्यों मांगा दिया। हाँ देखा, अभी ना हाथ दिखा। मैं पता क्या देख रहा हूँ भाई, तेरी उसमें ना लकीरों में विदेश यात्रा का योग है। आज का ही लग रहा है मेरे को। आज का ही है? हाँ आज का ही है। देखते हैं कि मैं कितना बड़ा जोशी हूँ। ठीक है तुम लोग हाथ दिखाओ अपना। ओ बाय द वे गाइस, मैं इंट्रोड्यूस करना भूल गया, हमारी टीम में 2 नए एडिशन हुए। इनको आपने देखा था रोहित की शादी वाले व्लॉग्स में, और दोनों भाई हमारे पास आ गए। अपना हाथ दिखाओ। हाँ विदेश यात्रा का योग तो है लेकिन अभी का नहीं है। तुम भी दिखाओ, अभी का नहीं है। दिखाओ हाथ दिखाओ सब अपने अपने। ये तो ऑलरेडी करके आ चुके हैं 2-3 बार। दिखा यश, योग है पर पासपोर्ट चाहिए। तू दिखा इसको, ये तो निर्मोही इसको चाहिए ही नहीं भाई। पासपोर्ट की 2 बार डेट आके निकल गई। दिखा सूंघ नहीं रहा, दिखा टेंशन मत ले भाई। विदेश यात्रा का योग है लेकिन योग से पहले ना कल पासपोर्ट की डेट है। हाँ याद रखियो, बनवा लियो अपना। भाई गर्मियों में दोबारा से मैं अपना छाछ वाला रूटीन स्टार्ट कर रहा हूँ, कर चुका हूँ ऑलरेडी। वैसे तो छाछ पिएगी नहीं। सुधीर मैं बहुत देर तुझे देखा हूँ, तू कर क्या रहा है? वैसे उठा रहा है, चारों तरफ से देख रहा है, फिर रख दे रहा है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। गाइस ये मैंने यूएस जाने से पहले खरीदा था, बट पता नहीं क्यों यूज ही नहीं किया और मैं भूल भी गया। आज मेरे को सडनली याद आया कि मेरे पास तो ऐसा चश्मा भी है, अब मैंने लगा लिया। वैसे मैं सोच रहा हूँ इसमें वो लगवा लूँ, जो कौन से होते हैं ब्लू रे ग्लासेस होते हैं, कौन से होते हैं जिससे कि स्क्रीन की जो रेज पड़ती है उससे बच जाते हैं। वैसे मेरा कोई नंबर तो चढ़ा नहीं हुआ, तो इसका कोई सेंस तो है नहीं, सिर्फ फैशन के मतलब का होगा, बट वो हो जाएगा तो कम से कम कुछ फ़ायदा होगा। गेमिंग के टाइम पे यूज़ कर सकता हूँ इसको। देखो जब ये छोटे होते हैं ना, इनकी हार्ट बीट कितनी तेज चलती है, देखना। पूनम बहन वो आ रहे हैं तुम्हें अवार्ड देने के लिए यार। क्यों? सबसे सुस्त इंसान का, सबसे आलसी इंसान का अवार्ड मिल रहा है। भाई मैंने पैकिंग किया, मैंने कितना कुछ किया है। कर ली पैकिंग तुमने? अब करोगी तो नहीं पैकिंग? पैकिंग है क्या? आधी पैकिंग हुई है। झूठ क्यों बोलती है? कपड़े नहीं आए, ऑर्डर दिया, झूठ क्यों बोल रही हो? झूठ क्यों बोल रही है बताओ? तू मुझे मॉल ले जाएगा? हाँ चल आजा। नहीं मेरे को नहीं जाना। भाई देख लो आपके सामने की बात है, आलसी तो जानी रही है और मैं मॉल इसलिए जा रहा हूँ बिकॉज आज हम दीदी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, और सेलिब्रेट कर रहे हैं तो इसीलिए गिफ्ट भी लाना ज़रूरी है। मैं और नीतू जा रहे हैं गिफ्ट लेने उसको। तो हम लोगों ने सबने आपस में डिसाइड किया है कि इसको हम कीर्ति के लिए क्या देंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि सेम चीज़ मैं मम्मी पापा सब ले आए, तो उन लोगों से पूछ लिया मैंने जो चीज़ वो नहीं ला रहे वो मैं लेकर आ रहा हूँ, ताकि अलग अलग गिफ्ट्स मिले उसको। तो मैं, रोहित और नीतू हम तीनों जा रहे हैं। हरिंदर भैया यहीं है। गाइस दिक्कत हो गई यार, जैकेट वैकेट पहने गाड़ी में बैठा था, गाड़ी जो तप रही है भाई। और अभी सोचो मार्च है, मार्च का भी मतलब 12 तारीख है, और सोचो क्या हाल हो रखा है भाई गर्मी का। जैकेट तो उतारी थी मैंने। ओहो जल्दी से चलाओ भाई। क्यों देख रही है ऐसे? क्यों मजाक बना रही होगी मेरा मनी मना ना? हाँ तो अभी पता है मैंने क्या करा, इंस्टाग्राम पर एक शायरी डाली थी और लोगों से बोला कि आप अपनी अपनी शायरियाँ सुनाओ। भाई मुझे लग रहा है सारे दुनिया के शायर मेरे इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड हैं। इतनी प्यारी प्यारी लाइंस लिखी लोगों ने, मैं बता नहीं सकता भाई, मन खुश हो गया मेरा। तो बहुत अच्छा टाइम पास हुआ भाई। अब तो मैं ऐसे किया करूँगा, जब भी बोर होऊंगा ना, कभी भी 2-3 घंटे का सफ़र होगा तो आप लोगों की शायरियाँ पढ़ा करूँगा। फ़िलहाल क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं कुछ अच्छा सा सुनाऊँ यहाँ पर, तो मैं अपने फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट शायर उमैर नाज़मी की बहुत एक ऐसी लाइन सुनाने जा रहा हूँ जो मेरे दिल को सबसे ज़्यादा टच की। तो वो लाइन कुछ इस तरीके से थी कि बड़े तहम्मुल से रफ्ता रफ्ता निकालना है, रफ्ता रफ्ता मतलब धीरे धीरे, बड़े आराम से धीरे धीरे निकालना है। बड़े तहम्मुल से रफ्ता रफ्ता निकालना है, बचा है जो तुझ में मेरा हिस्सा निकालना है। ये रूह बरसों से दफन है तुम मदद करोगे, ये रूह बरसों से दफन है तुम मदद करोगे, बदन के मलबे से इसको जिंदा निकालना है। भाई नज़र में रखना कहीं कोई गम शनाश का गाहक, मुझे सुखन बेचना है, खर्चा निकालना है। और निकाल लाया हूँ एक पिंजरे से एक परिंदा, निकाल लाया हूँ एक पिंजरे से एक परिंदा, अब इस परिंदे के दिल से पिंजरा निकालना है। तो ये सबसे डीप लाइन थी यार उनकी जो मैंने पढ़ी, और उसके बाद मैंने उनको और ज़रा सुनना शुरू करा और मैं फ़ैन हो गया उनका। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। उमैर नाज़मी साहब की ये लाइन्स हैं और मुझे तो बहुत मेरे दिल के करीब है। तो पहुंच गए हम लोग मॉल में। अनफॉर्चुनेटली कैमरे को यहीं छोड़ना पड़ेगा, फ़ोन से व्लॉगिंग करनी पड़ेगी। तो हम लोगों ने सोन दीदी के लिए शॉपिंग कर लिया, उनका गिफ्ट ले लिया है और लखन को हमने भेज दिया यहाँ से। मैं और रोहित शॉपिंग कर रहे हैं ना रोहित, एंड श्रुति ने हमारी हेल्प करी है। हेलो हेलो श्रुति सबको। हमने क्या लिया है वो आपको थोड़ी देर में पता चलेगा, क्योंकि आज ही हम उनको दे देंगे क्या। बाकी यहाँ पर ज़्यादा अच्छा कलेक्शन नहीं है क्योंकि शूज़ बाहर से आ नहीं पा रहे हैं यहाँ पर। हम चलते हैं कहीं और। भाई शॉपिंग हो गई अपनी? अभी और होगी, बस हो गई ना। तो अब कुछ खाना खा के और हम निकलेंगे घर। तो यहाँ पर इनका खाना हो चुका है। रोहित कसत आहे चांगला। तो हमने सुंदरी का गिफ्ट ले लिया है, बट मैं एक चीज़ बताती हूँ, सोन दीदी को पता नहीं हमने उनके लिए क्या लिया है। मैंने उनको बोला था कि मैं फुटवेयर में या पर्स, उनको पर्स नहीं चाहिए था, तो मैंने उनको बोला आपका साइज़ नहीं है। उनको एक शूज़ पसंद आए थे तो कहते चलो छोड़ो हम थाईलैंड में देख लेंगे, बैंकॉक में देख लेंगे, लेकिन मैंने वो ले लिए। अब तो जाके हम सरप्राइज़ देंगे। मुझे पूरी उम्मीद है दीदी को गिफ्ट बहुत पसंद आएगा, और जो गिफ्ट नीतू ने खुद को दिया है वो नीतू को पसंद नहीं आया, मेरे को पसंद आया। तुझे बताया ब्लॉग में मैंने किसको दिया गिफ्ट? खुद को मैंने। यू फोर्स मी। हाँ तो मैंने ही दिया एक तरीके से भाई। तेरे को पसंद आया नहीं आया? मुझे कहा लोगों को दिखा दिया, बाद में दिखाए। ठीक है आज का दिन सिर्फ दीदी के नाम। दोस्तों इस दुनिया में सबकी अपनी अपनी परेशानियाँ हैं। जैसे इस टाइम नीतू की परेशानी है, एक तो ये कि बैग पैक करना है, दूसरा ये कि उसको सुसु लग रही है बहुत तेज़ और बहुत टाइम से लग रही है। और आज जाम भी अपने को अच्छा खासा मिला। जब लेट होते हो तो कायनात पूरी शिद्दत से आपको और लेट करने की कोशिश करती है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। घर पर सब लोग रेडी हैं दीदी का बर्थडे केक लेके, बट यहाँ क्या पता हमारी अलग ही स्ट्रगल चल रही है बिल्कुल। इसलिए कहते हैं करके चला कर। तुम मुझे मत बताओ। कौन बताएगा? मुझे खुद पता है, मैं करके चली थी। मैं बहुत पानी पीती हूँ इसलिए ऐसा हुआ है। क्यों पानी पीती है इतना? कुछ बोल ना, जवाब दे भाई। बोलना बस की नहीं है ना इस टाइम। अभी तुम मुझे बोलते रहो, मैं कुछ नहीं बोलूं। भाग नीतू भाग, जल्दी भाग। गाइस देखो, एक ही गाड़ी में पीछे सीट पे चार लोग बैठे हैं। इसको मुफलिसी कहते हैं, लेकिन हमने कभी घमंड नहीं किया। भाई विला पे ले लो। मुफलिसी मुफलिसी मतलब गरीबी। यार मेरी शायरी नहीं सुन रही है, देखो। अरे यार शायरी सुन रही, देखो कोई नहीं सुन रहा। अच्छा अरे यार शायरी सुन लो मेरी यार, बोलो। चुप सुन पहले। तुझे ना आएगी मुफलिस की मुश्किलात समझ, क्योंकि आज है मेरा पेपर डे। अरे सुन ले यार। तुझे ना आएगी मुफलिस की मुश्किलात समझ, मैं छोटे लोगों के घर का बड़ा हूँ बात समझ। ये अपने बना। और उसी छोटे घर की एक बेटी का है आज हैप्पी बर्थडे। अरे यार भाई भाई बंद गया, सॉरी यार मैंने देखो इतनी अच्छी शायरी थी। और उसी छोटे घर की बहू है बहुत ही ब्यूटीफुल। बात तो सही है। तो गाइस दीदी तो अंदर पहुँच गई है, हमने उसका गिफ्ट निकाला है, उसको पता नहीं है। चलो कैसे हो रुकमा भाई, कैसे हो? सब बढ़िया है। जय माता दी। जय माता दी। कोई नहीं, आज है आज है। जब ये लोग देख रहे हैं उस दिन तो बर्थडे है भाई। हम एक रात पहले मना रहे तो क्या हो गया। अरे आ जाओ भाई। अरे इनके हाथ में तो मुझे बैग ही बैग दिख रहे हैं। भम्मू तो भाई बहुत चालाक है, मुझसे कह रही थी कि मैं तो कैश दूंगी। वाह भम्मू वाह, वेल प्लेड। क्या प्रोग्राम है आज का? छुप गए। नमस्ते 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 नमस्ते। मैं सुना आप लोग तो सुबह मिल लो अब डेली है। हाँ। वॉक पे ही। हाँ। हम 2 दिन से मिल रहे रोज। ये आई बर्थडे गर्ल। बड़ी मोटी माला पहनी। कैंडल भैया कैंडल ले लीजिए। कैंडल ना है। मैं कैंडल ऐसे बुझानी नहीं। केक तो काटते रहेंगे मम्मी, केक तो काटते रहेंगे। गिफ्ट दे दो आप। गिफ्ट गिफ्ट तेरा गिफ्ट प्यार है। और ये केक हटा, इसे भी हटा दो। अच्छा अच्छा ठीक है। एक खाली क्यों कौन सा बताओ तो? क्यों मैं पहचान नहीं पा रहा इसलिए पूछ रहा हूँ। ये एक्वा जैसा लग रहा है तो ये भाई साहब ये मैंने सूंघा ही नहीं है, आज पहली बार सूंघ रहा है। एक्वा टाइप का है कोई ये, या तो इसकी मुझे लगा आजकल तुझे में से परफ्यूम की खुशबू कुछ ज्यादा आ रही है। तुझे बिना बात आ रही है आज से बिना बात आ रही है। हाँ इन दोनों में ये ना कोई एक्वा टाइप का होगा ना। आज मीटिंग आ रही है। माचिस तो लिया एक बार में नहीं ला रही, हमें डेली लाने वाले। देखो भाई क्या बोल रहे हैं, मैं बताऊं है क्या। जल्दी से किसी को नोच लो, किसी को थप्पड़ मार दो, किसी को भाई लाइट चली गई। तो डर तो लगा ही, नीतू डर गई। कैंडल और बस यार यही तो मैं स्पेशल बनाते हैं। देखा ये सब मेरी प्लानिंग थी। मैं भी वहाँ एक कुछ खड़ा करके आऊँ खंबे पे, मैंने कि एकदम लाइट काट दियो, जब सो रहा है फिर जला दियो दोबारा। यार खंबे पे से ही रही है तो अंडरग्राउंड के मतलब पूरी। अरे जाती खंबे के ऊपर से ही है अंडरग्राउंड। इसी बात पे सोनी के कान पे मार दे ऐसे दो। मैंने 3-4 मार तो दिए। मार दिए माला तोड़ दे इसकी नोटिस हमने। तू तो बहुत ही बूढ़ी हो गई वैसे यार। बूढ़ी ये कह रहा कंजी तो बहुत बूढ़ी हो गई। अरे अभी तो जला रही शिव को बोल रहा था कि नहीं जल जाएगी। अच्छा अच्छा ठंडा है भाई। लाइट लाइट जला दे। मैंने ऑर्डर कर दिया लाइट। एक मिनट हां। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। मिठाई खिलाते रहो सोनी को, खिलाओ भर पेट। मैं बंद कर दूं ताली। तेरा आज रेड कार्पेट ना मम्मी झूठी तो नहीं दूसरी ली है, पता थोड़ी है मुझे। कितनी खिलाओगे वो खिलाओ। तू तो खा ले है क्यों, तू तो सुबह शाम तक इसी खाता रहा। अरे आ जा भाई। हां हम दे मुंह खा लो। खा ले सब दूसरा पेट। अरे खा लो पूरा। अच्छा उसका मन ज्यादा खाना का देखे बीच में से तोड़ा नहीं उसका। अरे वो ज्यादा खाने वालों में से है। तू बहन है नहीं तो लाया उसे। अब मुझे तो मैं आगे पास कर दूं। ये दो साड़ियाँ मैंने ऐसे तो नहीं बोला। और क्या है मेरी एनिवर्सरी भी आई है। मम्मी एनिवर्सरी इसका बर्थडे थोड़ी है, एनिवर्सरी 2 लोग की हो। बात तो सही है। रुक जा भाई। वाह बहुत सुंदर लग रहा है। हाँ सुंदर मोर चीर बाज सब उसे दे। ये वो है और जब हमने देखी लेते टाइम देखिए क्या है ये दोनों तरफ जो गुच्चे के कान। ये गुच्ची के कान बड़े कान। क्या कैश? हाँ अच्छा चलो भाई मैं तो लो आजा भी आजा अभी से हाय। तो मैं बताना चाहता हूँ, मतलब लोगों को नहीं पता बट सब कुछ एकदम सब वी आर हैप्पी। चीज़ें खराब हुई बीच में बट अभी बहुत बहुत अच्छा है सब कुछ। नहीं एक बार अपने मुंह से बता दो दोनों, वरना लोगों को ऐसा लगता है सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ठीक है। ऐसे करो, ऐसे करो भाई, बस हमारा गिफ्ट भी दे दो। लेकिन जी ओह माय गॉड, चंदी की मौज ही मौज है। थैंक यू। बार बार ये दिन आए, लोग सही बोलते हैं। बार बार ये दिन तो आया, ले तो कई बार आया। तू दिखा तो दे, दिखाओ। हाँ और क्या भाई, अनबॉक्स कर ले। अभी सस्पेंस क्यों बना रही है इतना? हाँ इतना तो मुझे पता है डियोर का है। वाह मम्मी यार ये कैसे पता चला? मुझे टेक्निक सिखा दो ये वाली। वाह स्लो मोशन में करनी है, ठीक है? सही स्लो मोशन में निकाल रहा है। सोनी का पैर ऐसा तो किसी का कोई चीज अगर आ जाए। अब बहन बस ये किड्स सेक्शन है, इसके बाद अब और कुछ बचता नहीं है। बहन एक बार बस एक बार सुन ले, एक बार मुझे बस पैर में डाल के दिखा दे तेरा साइज है भी या नहीं। होगा होगा, इससे छोटा साइज। हां इससे छोटा साइज था नहीं उनके पास। अगर इससे छोटा नहीं है तो इससे एक टेक्निक है, देखो डबल सॉक्स पहनने की। तीन तीन चार चार सॉक्स भी पहन ले। रुक जाओ, लेकिन इससे तो थोड़े से हील वाले ला था। हील वाले हैं आ गए। हां अरे भाई अरे आ गए, तसल्ली हो गई। ये लास्ट था, लास्ट साइज वही आता है मेरे को। आ गया ना मतलब सही में। थैंक गॉड। और कंफर्टेबल है? सोनी ने बहुत सालों तक किड्स में से लिया, किड्स सेक्शन से ना लग रही। ये उसकी तरफ से मेरी तरफ से कैश है। काय है ये ले पड़ गया ना करे। कितनी बन लेगी? कैश तो डबल डबल दूंगा तेरे को। नहीं दे लेगी। हां चलिए चलिए। हां हो गया मेरी तरफ से। भाई अरे यार आप तो लेट हो गए। सोनी को सोनी का गिफ्ट और एक नीतू तो बहुत सुंदर साड़ी था भाई। सुनो एक नीतू की रेड साड़ी है, तो नीतू भी तो सुंदर ही है। और नीतू हैं नीतू भी प्यारी लगेगी, पहनने वाली भी तो सुंदर है। ये बताओ हैं? अरे वाह नीतू तारीफ हो गई। ये देखो सुंदर है। ये किसके लिए? और लकी को मैंने कैश दिया, ये अपने मनपसंद अपना कुछ भी ले लेगा। जैसे तुझे मिले, तू तेरे कैश में से मेरा पार्टनर मिले। लेकिन आपने आपने दो दो दिया, मतलब डबल डबल दिया तो नहीं दिया ना। सो गाइस में बहुत सारी चीजें हमने लेनी है बिकॉज दीदी का स्पेशल मोमेंट है, दीदी का बर्थडे है। उसके साथ जो चीजें हुई आप देख सकते हो। आज उसका ब्लॉग आएगा 10 बजे कीर्ति रावत चैनल पे, मिस मत करना। और आपकी तरफ से गिफ्ट ये हो सकता है कि उसके 1 लाख लाइक कर देना, ये आपका प्यार होगा। या फिर ट्रेंड पे ले आना, ट्रेंड पे लाने के लिए आपको उसे बोलना नहीं पड़ता, आप ले ही आते हो। बट आज आपसे स्पेशल मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो आपकी तरफ से वो गिफ्ट होगा। ओके गाइस मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। और आप दीदी को हैप्पी बर्थडे विश कर दो जल्दी जाके, उसके इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा सकते हो, उसके चैनल पे जाना, आज 1 लाख लाइक कर देना, यहाँ पे भी कर देना, ठीक है? अरे उतार दूंगा मैं। बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू ऑल। देख मैं भी इसको बताऊं पर शर्त मेरी यही है, जो इससे मिला आधा आधा देगी सोनी। सोनी सोनी सोनी